हेलो फ्रेंड्स, आई एम अपराजिता एंड वेलकम टू माय चैनल अपराजिता स्पाइसी ग्रिल। आज मैं बनाने जा रही हूँ होल व्हीट पैनकेक्स, यानी कि गेहूं के आटे से बना हुआ पैनकेक्स। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप गेहूं का आटा, 2 कप हल्का गुनगुना दूध, 1/4 कप शुगर, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा, आधा नींबू, कुछ बेरीज लिए हैं मैंने गार्निशिंग के लिए, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, मेपल सिरप, इसको भी गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे, इसकी जगह पे आप हनी भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम दूध में नींबू का रस निचोड़ लेंगे। नींबू के रस को दूध में अच्छे से मिला देंगे और अब इसे ढक के 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और अब हम देखेंगे, ये देखिए मिल्क हमारा जो है कर्डल हो गया है, यानी कि थोड़ा फटा फटा सा हो गया है, इसको हम बटर मिल्क कहते हैं। आप इससे जब भी पैनकेक्स बनाएंगे आपके पैनकेक्स बहुत सॉफ्ट और बहुत फ्लफी बनेंगे। इसकी जगह पे आप एग भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर बटर मिल्क यूज़ करके बना रही हूँ। एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें बटर मिल्क डालेंगे। चीनी डालेंगे। चीनी को दूध के साथ पूरा डिसॉल्व कर लेंगे। एक पतली जाली लेंगे और इसमें गेहूं का आटा डालेंगे, बेकिंग पाउडर डालेंगे और बेकिंग सोडा डालेंगे। अब इस जाली से छानते हुए सारी चीज़ों को हम दूध में डालेंगे। ऐसा करने से हमारे बैटर में एयर इनकॉर्पोरेट हो जाता है और हमारे पैनकेक्स काफ़ी फ्लफी बनते हैं। सभी चीज़ों को मिला के एक स्मूथ बैटर बना लेंगे। अगर आपको लगे कि आपका बैटर बहुत गाढ़ा हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा पानी डालिए, दूध मत डालिएगा, नहीं तो आपके पैनकेक्स सॉफ्ट नहीं बनेंगे, ये हार्ड हो जाएंगे। दस मिनट के लिए इस मिक्सचर को हम ढक के रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और देखिए बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है और फटाफट से इसके हम पैनकेक्स बनाएंगे। एक पैन को हम मीडियम लो हीट पर गर्म करेंगे और उसमें 1 बूंद तेल डाल के उसको टिश्यू पेपर से पूरा फैला देंगे। ऐसा करने से आप कोई भी पैन यूज़ कर रहे हो आपके पैनकेक्स नीचे चिपकेंगे नहीं। और अब एक लैडल भर के बैटर लेंगे और उसको नॉनस्टिक पैन पे डाल देंगे। लगभग 10 सेकेंड के लिए इसे ढककर मीडियम लो हीट पर पकाएंगे। ढक्कन हटाकर देखेंगे और ये देखिए बबल्स आ गए हैं इसके ऊपर, इसका मतलब नीचे से ये पक चुका है। और अब इसको फ्लिप कर देंगे, यानी कि पलट देंगे। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट पैनकेक बना है हमारा। इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के बैटर से भी हम सारे पैनकेक्स बना लेंगे इसी तरह से। सारे पैनकेक्स हमने बना के तैयार कर लिए हैं और एक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, ये देख के ये लग रहा है एकदम स्पॉन्जी और फ्लफी है। और चलिए अब इसको सर्व कर लेंगे।
पैनकेक्स ब्रेकफास्ट के लिए एक बहुत ही फेमस रेसिपी है और ये एक हेल्दी रेसिपी है क्योंकि इसमें हमने कहीं पर भी मैदा यूज़ नहीं किया है, गेहूं का आटा यूज़ किया है। बच्चे जब भी डिमांड करें हमें उनकी डिमांड पूरी करनी ही पड़ती है एंड बीइंग अ मदर हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम अपने बच्चों को हेल्दी खाना दें। और ये हेल्दी वर्जन ऑफ पैनकेक्स आप उनको कभी भी बना के दे सकते हैं, वो खुशी खुशी खाएंगे। उनका फेवरेट फ्रूट इसके ऊपर डाल दीजिए या फिर चॉकलेट सिरप डाल दीजिए तो उनको और मज़ेदार और टेम्पटिंग लगेगा। ये आप ये लंच बॉक्स में भी पैक करके अपने बच्चों को दे सकते हैं, बस इसमें सिरप जो है या हनी आप जो भी दे रहे हैं उसको आप अलग बॉक्स में डाल के दीजिएगा, क्योंकि अगर आप हनी पहले ही डाल देंगे इसके ऊपर तो ये लंच टाइम तक बिल्कुल सॉगी हो जाएगा और बच्चों को मज़ा नहीं आएगा फिर खाने में। आप इसे ब्रेकफास्ट में ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे यकीन है कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो जाते जाते मेरी इस वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन पे क्लिक करना ज़रूरी है ताकि जब भी मैं आगे कोई रेसिपी अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। जल्दी मिलेंगे एक और मज़ेदार नई हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग, कीप स्माइलिंग एंड स्टे सेफ। बाय।